21 अप्रैल 2022 तो लास्ट एक महीने पहले मैं कुछ प्लांट को नर्सरी से खरीद कर लाया था, जिसको मैं सभी रिपोर्ट कर चुका हूँ और इसके रिजल्ट मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, मतलब अपडेट्स शेयर करूँगा मेरे सभी प्लांट की। लेकिन उससे पहले मेरे कैरी के अंदर जो पपाया प्लांट था उसका ग्रोथ देखिए बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे पपाया लगे हैं और ये फर्स्ट टाइम है मैं पपाया प्लांट को कैरी के अंदर ग्रो करने के बाद मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। इससे पहले भी मैं पपाया प्लांट को ग्रो किया था लेकिन उसमें एक आधी पपाया बने थे, इस साल पहली बार बहुत सारे पपाया लगा है और ऊपर की साइड से प्लांट्स का ग्रोथ बहुत ही अच्छे है और आने वाले समय में लगता है यहाँ पर और भी बहुत सारे पपाया बनने वाले हैं। तो इसका हाइट तो सिर्फ 3 फीट के आसपास ही हुआ होगा और जैसे कि मैं बताया, देखिए कैरी के अंदर ये लगा हुआ है। मैं जब नर्सरी से इस प्लांट को खरीदा था तब इसको मुझे मिला था 20 रुपये पे और कहा था ये सीडलेस वैरायटी है, देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा होता है, पकने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। इसी के पास ही रखा हुआ है मेरे गुआवा के एक प्लांट, यहाँ पर मैं इसे 16 इंच पॉट के अंदर ग्रो किया हूँ। तो देखिए एक महीने पहले मैं इसकी रिपोर्टिंग किया था, नए नए से बहुत सारे ब्रांचेस अभी जस्ट निकलना शुरू हुआ है। ये बारुईपुर वैरायटी है जो बड़े साइज में फ्रूटिंग करता है, देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा होता है। और मैं इसे नर्सरी से लाया था 70 रुपया देकर और 16 इंच पॉट के अंदर मैं इसे ग्रो किया था। फुल सनलाइट पे है प्लांट मेरा अभी और अभी इसके ग्रोइंग पीरियड है, तो देखते हैं कितने दिन में इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लगते हैं, जिसके बारे में मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। नेक्स्ट प्लांट है टिकोमा के एक प्लांट। टिकोमा के प्लांट को मैं नर्सरी से 50 रुपया देकर खरीद कर लाया था, बहुत सारे नए नए से ब्रांचेस निकल कर आए हैं इसमें अभी और एक बस्ते के अंदर लगा हुआ है। देखिए कितने सारे लीव्स नए नए से निकल कर आए हैं, अभी उम्मीद है आने वाले कुछ एक आध महीने के अंदर ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी तक एक भी बर्ड्स नहीं है प्लांट पे और ये एक येलो वैरायटी है, जब खरीद कर लाया था तब इसके अंदर फूल थे, हालांकि अभी तो एक भी फूल नहीं है। तो प्लांट ज्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 1.5 या 2 फीट का ही हुआ होगा और फुल सनलाइट पे प्लांट मेरे रखा हुआ है। लास्ट 3-4 दिन पहले ही मैं सभी प्लांट पे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया था, मस्टर्ड के एक लिक्विड फर्टिलाइजर जो मैं पूरे साल भर हर एक प्लांट पे देता रहता हूँ। उसी के पास है मेरे एक हिबिस्कस का वैरायटी, ये भी मैं एक ही साथ खरीद कर लाया था, इसे भी बस्ते के अंदर ही ग्रो किया हूँ और इसे भी मुझे मिला है 70 रुपया देकर। अभी इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ है, बहुत सारे बर्ड्स आए हैं, एक आध फूल कुछ दिन पहले खिला भी था, देखिए यहाँ पर एक फूल जस्ट खिलना शुरू होगा कुछ दिनों के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स आए हैं, यहाँ पर बर्ड्स है, यहाँ पर भी बर्ड्स है और बहुत सारे ब्रांचेस अभी जस्ट निकलना शुरू ही हुआ है। ये भी फुल सनलाइट पे है और देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा होता है और मैं इसके भी अपडेट आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर जरूर करूंगा। इसके बाद यहाँ पर एक मेरे मैंगो के प्लांट है जो थाई वैरायटी है, थाईलैंड वैरायटी, एक ग्राफ्टेड किया हुआ प्लांट है, यहाँ पर ग्राफ्ट किया हुआ है देखिए। और इसमें तो फ्लावरिंग थे, हालांकि फूल तो अभी सभी झड़ चुके हैं मैं रिपोर्टिंग करने के बाद, प्लांट अभी बहुत ही छोटा है, 1 फीट का ही होगा और फुल सनलाइट पे कैरी के अंदर लगा हुआ है। मैं हर एक कैरी के अंदर एक ही ऐसे परमानेंट फ्रूट प्लांट ग्रो करूंगा और इस कैरी के अंदर एक ही प्लांट है, देखते हैं इसका भी रिजल्ट कैसा होता है। जब मैं खरीद कर लाया था तब मुझे बोला गया था ये पूरे साल भर ही फ्रूटिंग करेंगे, मतलब साल में 3 से 4 बार फ्रूटिंग करेंगे, तो देखते हैं कितने बार ये फ्रूटिंग करते हैं और कब कब करता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसके लिए मुझे पड़ा था 100 रुपया जो मैं आप लोगों के साथ इससे पहले भी शेयर किया हूँ। और इस साइड पे है लास्ट प्लांट जो मैं नर्सरी से खरीद कर लाया था, ये भी एक फ्रूट प्लांट है, हालांकि इसके ऊपर तो अभी एक भी पत्ते नहीं है क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं इसे रिपोर्ट किया था, तो रिपोर्ट करने के तुरंत बाद ही प्लांट पे जितने सारे लीव्स थे सभी झड़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये एक लीची प्लांट है,
हालांकि जब मैं लाया था तब इसके अंदर तो लीची भी लगा था एक, जिसको मैं सीडलिंग कर चुका हूँ, उसके भी रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन देखिए अभी इसके अंदर एक भी पत्ते नहीं है, तो इसके भी रिजल्ट कैसा होता है मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करूंगा। और इसे मैं खरीद कर लाया था 100 रुपया देकर। ये एक कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है और अभी फिलहाल ये एक मेरे प्लास्टिक के पॉट के अंदर लगा हुआ है, तो जिस कैरी के अंदर मेरे पपाया प्लांट है उसी में मैं इसे शिफ्ट कर दूंगा। कैरी के अंदर भिंडी के प्लांट लगा हुआ है, जैसे ही भिंडी के प्लांट यहाँ से हट जाएंगे यहाँ पर मैं इसे ग्रो करूंगा। अभी तो मुझे बहुत सारे भिंडी मिल रहा है, तो इसलिए मैं अभी लीची प्लांट को एक पॉट के अंदर ग्रो करके रखा हूँ। तो आने वाले 3-4 महीने के बाद जब ये प्लांट सभी हट जाएंगे तो यहाँ पर मैं इसे शिफ्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स ये था कुछ नया प्लांट जिसे मैं हाल ही में ही नर्सरी से खरीद कर लाया था और सभी प्लांट की अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। और देखते हैं इसका रिजल्ट आने वाले समय में कैसा होता है, जो मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करूंगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।